एवरीवन, वेलकम टू ओल्डीज टेस्टफुल किचन। गर्मियां आ गई हैं और अब हमें कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, तो उसके लिए मैं एक रेसिपी लाई हूं। ये है गोंद कतीरा, ये आप पास से देखिए, कुछ इस तरह का होता है। ये वो गोंद नहीं होती जिसके हम सर्दियों में लड्डू बना के खाते हैं, ये डिफरेंट है। इसको बोलते हैं गोंद कतीरा, वो गर्म होता है और ये ठंडा होता है। तो ये मुझे ओवरनाइट सोक करना है, इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बस। और आपको मैं ये मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि फूल के कितना हो जाएगा। 1 टेबलस्पून में हम पानी डाल रहे हैं, पानी में सोक करेंगे हम इसको। और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये लिया है मैंने 1 कप। और आधा कप और, तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। और इसको एक बार मिक्स कर दूंगी और इसको ढक कर रख देंगे। आप देखिए बहुत छोटे क्रिस्टल हैं इसके, गोंद के बहुत बड़े नहीं हैं, तो मैं इसका चूरा नहीं कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में देखते हैं हम कैसा होता है ये। तो ये देखिए, ये 1 टेबलस्पून गोंद हमारा भीगने के बाद कितना हो गया, आप देखिए। 2 कप पानी भी डालेंगे तो भी आपका ये कितना अच्छे से ये फूल जाता है। 1.5 कप से मैंने थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है, ये देखिए कितना क्लियर और वाइट ये हो गया है। ये यही गोंद है और 1 टेबलस्पून है, यानी ये 2-3 सर्विंग के लिए आपको यूज हो जाएगा। आप 1 चम्मच भी भिगोएंगे ना तो, लेकिन आपको फ्रेश बनाना है और फ्रेश खाना है, ये नहीं कि आप इसको फ्रिज में रख के यूज करें। तो आइए बनाते हैं इसकी शिकंजी। तो ये देखिए, एक बेहतरीन सी शिकंजी बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने ली है मिश्री, मिश्री को मैंने पाउडर बना लिया है ऐसे, क्योंकि हम हेल्दी बनाने जा रहे हैं। चीनी जो यूज करते हैं वो चीनी यूज कर सकते हैं, मैं मिश्री यहां आपको दिखाना चाहूंगी। ये है धागे वाली मिश्री, ये बहुत अच्छी होती है। आप थोड़ा थोड़ा इसको इमाम दस्ते में हल्का सा कूट लीजिए और फिर मिक्सी में पीस लीजिए, तो इस तरह का पाउडर जो है वो बन जाता है। तो कोई भी आप ये पाउडर बनाकर रख लीजिए और जो भी आप ड्रिंक बनाएं उसमें आप इसको चीनी की जगह यूज कर दें। अगर आप चीनी खाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये लिया है मैंने भुना जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा नमक है 2 पिंच, और 1/4 टीस्पून काला नमक है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने चाट मसाला लिया है। पुदीना लीव है गार्निश करने के लिए, 1 नींबू लिया है, 1 ग्लास पानी है। तो आइए ये टेस्टी से शिकंजी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के ये गोंद कतीरा। गोंद कतीरा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये ठंडा होता है, लू से बचाता है। और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ये पिसी हुई मिश्री, आप स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा डालेंगे इसमें पानी, बहुत क्विक बन जाती है ये। अब हम इसमें ये जो नींबू है इसको निचोड़ देंगे, इसको अब हम इसमें निचोड़ेंगे। और अच्छा रसीला नींबू लें आप, तो पूरा यूज करना चाहें पूरा यूज करें, अगर कम है रस, और नहीं तो आप आधा इसको यूज करें। आपको ये शिकंजी लू लगने से बचाएगी, गर्मी में ठंडक देगी। तो ये जरूर आप बनाकर देखिएगा। अब हम इसमें जितने ये मसाले हैं इनको डाल देंगे। ये 1 ग्लास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। और मैंने शिकंजवी मसाला भी बनाना बताया है आपको पहले, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अदरवाइज आप ऐसे भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये पानी, और सबसे ऊपर फिर हम इसमें गोंद कतीरा डालेंगे, लेकिन पहले मैं आइस क्यूब डाल देती हूं, आप नीचे भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, फिर से हम 1 टेबलस्पून इसमें गोंद कतीरा डालेंगे, और ये बहुत यमी लगती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मीठा डालिए, और इसको हम पुदीना की पत्ती से गार्निश करेंगे, और ये पीने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। तो लग रही है ना यम्मी, तो इसके जो है ये बहुत गुणकारी है, जरूर आप ट्राई कीजिएगा।